हेलो एवरीवन, आज दीदी के रसोई में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए प्याज के रायते की रेसिपी लेकर आए हैं। हम 4 मीडियम साइज का प्याज लिए हैं, 300 ग्राम दही, हरी मिर्च, राई, अदरक, भुना हुआ जीरा पाउडर, भुना हुआ लाल मिर्च पाउडर, काला नमक और सफ़ेद नमक। अब चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्याज को छील लेंगे, इस तरह से सारे प्याज को छील लेना है। छीलने के बाद हम इसे अच्छे से धो लेंगे, उसके बाद बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेंगे। देखिए इस तरह से बारीक बारीक काट लेना है, छोटा छोटा। कढ़ाई को हम चूल्हे पर रख दिए थे, वो गर्म हो गया, उसमें हम सरसों का तेल डाल रहे हैं। अब हम इसमें राई को ऐड करेंगे, राई हम आपको दिखाए थे ना, और बिल्कुल थोड़ा सा हींग, MDH का हींग यूज करते हैं हम। राई के चटक जाने के बाद हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज को ऐड कर देंगे और इसे ज़्यादा नहीं 2 से 3 मिनट तक हम भूनेंगे। हल्का सा जैसे कलर चेंज होगा हम गैस को बंद कर देंगे। 2 मिनट हो चला है, अब देखिए प्याज का कलर भी चेंज होने लगा। अब हम गैस बंद करके प्याज को ठंडा होने के लिए रख दिया। जब तक प्याज ठंडा हो रहा है तब तक हम दही को फेंट लेंगे। दही गाढ़ा है क्योंकि बिल्कुल फ्रेश घर का जमा हुआ है, अच्छा दही है। प्याज का रायता खाने में बहुत अच्छा लगता है, इसको किसी भी मौसम में आप बना के खा सकते हैं। गर्मियों में तो विशेष कर खाना चाहिए, इससे लू लगने का डर कम रहता है। अब हम दही में अदरक और हरी मिर्च को डाल देंगे, इसको हम बारीक काट के रख लिए थे। आप मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और कमेंट करके बताएं कि ये रायता कैसा लगा। अब इसमें हम सारे मसाले को ऐड कर देंगे, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक और सफ़ेद नमक। काला नमक का टेस्ट रायता में बहुत ही अच्छा लगता है, बिना काला नमक का तो रायता मज़ेदार लगेगा ही नहीं, इसको डालना ही डालना है। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर खट्टा दही है तो थोड़ा सा पानी मिला दें, ज़्यादा खट्टा दही से नहीं बनाए, और उसमें शक्कर भी आप थोड़ा सा डाल सकते हैं, शक्कर से हल्का सा खट्टा कम हो जाएगा। दही अच्छे से मिक्स हो गया है और अब प्याज भी मेरा ठंडा हो गया है। अब हम सारे प्याज को दही में ऐड कर देंगे, इस तरह से डाल देना। प्याज को हमेशा ठंडा करके ही डालें, रायता को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट में ये रायता बनके तैयार हो जाता है। इसको आप रोटी, चावल, बिरयानी किसी के भी साथ खा सकते हैं, बिरयानी के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है ये रायता प्याज का। हमारे घर में तो हमेशा बनता है और जब बनता है तो थोड़ा ज़्यादा ही बनता है। अब देखिए अच्छे से, देखिए मिल गया है, ज़्यादा पतला नहीं रखना, इतना गाढ़ा रखना है, हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसके ऊपर हम धनिया पत्ती नहीं डालेंगे, इसमें हम थोड़ा सा करी पत्ता को काट के डाल देंगे, इसको भूनेंगे भी नहीं करी पत्ते को, बस ऐसे ही काट के डालेंगे। कच्चा करी पत्ता इसमें बहुत अच्छा लगता है। रायता देख के आपको भी लालच आ रहा है ना, लग रहा है ना कि झट से बना ले, तो आप इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं, तुरंत बनाना स्टार्ट कर दीजिए।